गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल योर झारखंडी ब्लॉग। सो गाइज कैसे हैं आप सब, आई होप ठीक होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ। और गाइज बहुत दिनों बाद या लगभग 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है, तो इसके लिए गाइज आप सभी को तहे दिल से सॉरी, क्योंकि गाइज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं कोई ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा था, ना मैं कहीं जा पा रहा था, जिसके कारण आपको मेरे ब्लॉग देखने को ना के बराबर मिल रहे थे। झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची, मतलब गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं झारखंड बोर्ड, झारखंड जेग ऑफिस। तो गाइज मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा दिखाने वाला हूं कि आप किस प्रकार झारखंड जेग ऑफिस जा सकते हो। उस जगह पे आप अपना कोई भी गलती हो, मार्कशीट में गलती हो, नाम में गलती हो, या आपका एड्रेस में कुछ गलती हो, तो आप उस जगह में जाके आप सही कर सकते हो। तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा बताने डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप एप्लीकेशन दे के जमा करना होगा, पूरा कम्प्लीट चीज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चले गाइस मैं आपको आज पूरा लेके चलता हूँ सीधा रांची जेक ऑफिस। नंबर 08190 एर्नाकुलम टाटा नगर जंक्शन स्पेशल बाय वीकली हैज अराइव्ड ऑन तो गाइज हम लोग रांची में एंटर कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे कोलकाता, खड़गपुर, देवड़ी मंदिर, हर जगह जाने का रास्ता। सो गाइज फाइनली हम लोग जेक बोर्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं और आप लोग अंदर के व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, हरे हरे पौधे और इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं। तो गाइज यही जेक ऑफिस है और इसके बैक में गाइज जेक बोर्ड का काम किया जाता है, जो भी हो मैट्रिक इंटर किसी का भी जेक बोर्ड से रिलेटेड काम हो वो उसके बैक में पीछे में काम किया जाता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बैंक में जाकर चालान कटाना होगा। यहाँ पर एक बैंक है गाइज इंडियन बैंक, आपको उस जगह में जाके जमा करना होगा पैसा जितना आपको बोला जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन के साथ उस चालान को जमा करना होगा। फिर वो लोग बोलेंगे कि आपको 1 महीना 1.5 महीना बाद जो मिस्टेक हो वो ठीक हो जाएगा या आपको दूसरा नया रिजल्ट मिल जाएगा। सो गाइज फाइनली मैंने आपको पूरा दिखा दिया इस झारखंड बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जेक बोर्ड को किस प्रकार से कहाँ क्या क्या जाता है, किस जगह आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो और किस जगह आप प्लान काट सकते हो, बैंक में आपको पैसा जमा करना होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जमा करना होगा। पूरा कंप्लीट चीज मैंने आपको इस ब्लॉग में बता दिया है। आशा करता हूँ गाइस ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो पसंद आए तो गाइस इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे में इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोग के लिए लाता रहूँ। चलिए गाइस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मैं मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।